सौम्या वेयर इज आदित uh, वो शायद किसी जरूरी मीटिंग में फंस गया है इसीलिए फोन नहीं उठा यार सौम्या तेरे हस्बैंड के बच्चे हैं फैमिली है दोनों हैंडल करने को डिफिकल्ट होता होगा वो बिजी होगा वी अंडरस्टैंड इट्स ओके बट बिलीव आई दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आदित फोन उठाओ तुम तो। पापा हाँ बेटा दादी जी ने कहा ना कि पापा यहीं रुकेंगे अपने अक्षु के पास मंगलक्ष्मी के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अक्षत अपने पापा से पूछता है पापा आप यहाँ रुकोगे और फिर उन्हें गले लगा लेता है कुसुम आंसू पहुँचती है और मंगल इशारे से कुसुम और ससुर जी को अंदर बुलाती है मंगल कहती है कुसुम से अम्मा हमें आदित्य जी को यही रखना होगा इस पर कुसुम हैरान होकर पूछती है ये तुम क्या कह रही हो मंगल मंगल समझाती है अम्मा ये हमें अक्षत के लिए करना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा है फिर कुसुम पूछती है पर मंगल तुम्हारा क्या होगा मंगल जवाब देती है अम्मा और कोई रास्ता है क्या उधर सौम्या के दोस्त गुस्से में चले जाते हैं और सौम्या कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आदित्य अक्षत फिर अपने पापा से पूछता है पापा आप कहीं जाओगे तो नहीं तभी कुसुम उसे समझाती है तुम्हारे पापा यही रहेंगे अक्षत इतने में सौम्या का फोन आता है पर आदित्य फोन काट देता है गलती से कॉल उठ जाता है और सौम्या आदित्य और अक्षत की बातें सुन लेती है गुस्से में वो अपना फ़ोन फेंक देती है मंगल अक्षत का बुखार चेक करती है जो अब उतर गया है अक्षत कहता है मम्मी क्या मैं आज आप और पापा के साथ आपके कमरे में सो सकता हूँ तब मंगल कहती है ईशाना अक्षत को उसके कमरे में ले जाओ इसके बाद आदित्य की बहस सौम्या से होती है और वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी सौम्या जिद में अपने और आदित्य की शादी की फोटो अक्षत की बुक में छुपा देती है लेकिन अक्षत उसे रोक देता है मंगल आकर वह फोटो देख लेती है और सौम्या से पूछती है तुम आखिर चाहती क्या हो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद